हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3rd, जिसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। मैंने उनका सॉल्यूशन आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र। ठीक है, S8 इसका मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र। ठीक है, सॉलिड 60 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र में आप सल्फ़र के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, आज हम एक न्यू फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। N इज इक्वल टू N अपॉन एन ज़ीरो। ठीक है, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ज़ीरो। यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एंड जो एन ज़ीरो है वो एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एन ज़ीरो यहाँ पे है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो क्या है, ये साइंटिस्ट है और उनके नेम पे ये नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर एन ज़ीरो की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पिछली वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला आपको और दिया था, n इज इक्वल टू w अपॉन स्मॉल m। इन दोनों फॉर्मूलेज का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सल्फ़र के, और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू जो दे रखी 16 ग्राम। ठीक है, 16 रखेंगे, स्मॉल एम जो मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल हमको दे रखा होता है वो हमें दिया है सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र S8, और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फ़र इसमें 8 हैं, 32 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 256 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या रखेंगे, 256 ग्राम। इसके बाद फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ये ऊपर वाला स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n अपॉन n ज़ीरो। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ज़ीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे न्यू फॉर्म होगा, एन ज़ीरो की मल्टीप्लाई इस स्मॉल एन में करेंगे तो हमको ये ऑब्टेन होगा। इसके बाद इनकी वैल्यू हमें पुट करेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू ये हमने पहले ही फाइंड कर ली है, 16 अपॉन 256 एन ज़ीरो एवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10²³। ठीक है, 16 से 256 को डिवाइड करेंगे, 16 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 16 की डिवाइड जब हम इसमें करेंगे 6.022 × 10²³ में, तो ये होगा 0.376 × 10²³। ठीक है, अब यहाँ आपका आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन आगे भी वो सॉल्व करना चाहें तो 3.76 × 10²² मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया है, क्योंकि हमने इसमें 10 की मल्टीप्लाई की है। ठीक है, इसमें 0.376 में जब आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.76 आएगा,
और यहाँ से जो 10 हमने हटाया था वहाँ पर ये एक जीरो कम हो जाएगा, तो 10^22 मॉलिक्यूल इसका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स Al2O3। इसका 0.051 ग्राम में हमें नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन फाइंड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, कैपिटल एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, स्मॉल एम की वैल्यू हम ये गिवन है 0.051 ग्राम। ठीक है, और एन जीरो एवोगैड्रो नंबर ये हम जानते हैं 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज हुए थे, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी हम दोनों फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एंड एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन जीरो। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के हैं। अब ये दोनों ही वैल्यू एन के इक्वल हैं, स्मॉल एन के इक्वल, तो हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को एकदम इक्वल कर लेंगे। डब्ल्यू अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन जीरो। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आपका ये आंसर आएगा। अब यहाँ क्या है, अगर मास ऑफ Al2O3 कैलकुलेट करें, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 × 2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 × 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन का एटम, 3 है यहाँ पे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54, प्लस ये हो जाएगा 48, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 102 μ। ठीक है, मॉलिकुलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे म्यू में रखेंगे, और जो गिवन दैट होता है वो ग्राम में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन वैल्यूज को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.051। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट की है। स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सॉरी सॉरी गाइज, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो ये है 0.051। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.051, एंड स्मॉल एम की जो वैल्यू है यहाँ से 102 μ। ठीक है, तो 102 μ यहाँ हम पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, एन जीरो एवोगैड्रो नंबर है, तो यहाँ 6.022 × 10^23। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो स्मॉल एम की जो वैल्यू थी यहाँ पे क्या है, हमने ये मिस्टेक हो गई है, इसके लिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है 102 μ। ठीक है फ्रेंड्स, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, स्मॉल एम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिकुलर मास था 102 μ, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। एन जीरो ये हमको पता होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे फॉर्म किया है इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, और हमने वैल्यू जो पुट की हैं वो यहाँ पे आ गया। स्मॉल कैपिटल एन की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो इसको एक साइड करेंगे और ये होगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 6.022 × 10^23 × 0.051, एंड और यहाँ जो होगा 102 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से 6.022 × 10^23 0.051 को हम कर सकते हैं 51, और यहाँ पे तो 1000 आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, और 102।
ठीक है, ये इसका मॉलिकुलर वेट था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो हमने ऐसे ही पुट किया है यहाँ पे। इसके बाद 1000, मतलब इसे हम बोल सकते हैं 1000 को 10^3, यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा 0.6022 इंटू 10^20 एंड 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3.011 इंटू 10^20। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, 3.011 इंटू 10^20 ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कितने ग्राम में, 0.051 ग्राम में। ठीक है, 0.051 ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ये मॉलिक्यूल्स निकल के आए, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, और एल्यूमिनियम आयंस हमारे पास कितने हैं, Al2। ठीक है, Al2 है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, Al पे ट्रिपल पॉजिटिव होता है एंड O पे डबल नेगेटिव होता है, तो यहाँ एल्यूमिनियम आयंस जो होंगे यहाँ पे 2 हैं और ये 3 हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ एल्यूमिनियम के 2 आयंस हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10^20 इसमें करेंगे तो 6.022 इंटू 10^20। ठीक है, आयंस ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था हमें, कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, स्मॉल एम जो मॉलिकुलर मास होता है किसका, जो मॉलिक्यूल हमको दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ठीक है, Al का एटॉमिक मास 27 होता है और O का 16 होता है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ एटम्स हैं एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 3। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा आपका 102 μ। ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ये वैल्यू हमारे पास हो गई। ठीक है, और N₀ ये एवोगैड्रो नंबर होता है जो हमको पता होता है। अब ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसको हमने न्यू फॉर्मूला फॉर्म किया है, अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमारे पास है उनको हमने यहाँ पुट किया है। यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, कैपिटल एन इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या आया है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एल्यूमिनियम आयन के नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो एल्यूमिनियम आयन हमारे पास 2 हैं, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी और आंसर हमारे पास ये होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।